फ्रेंड्स वेलकम टू ममता की तालिका। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। तो फ्रेंड्स आज हम अपने किचन में बनाएंगे मल्टी फ्लेवर मल्टी टेस्टेड बहुत ही यम्मी सा चीजी ब्रेकफास्ट। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं ये चीजी ब्रेकफास्ट, जो बच्चों को तो पसंद आएगा ही बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए पराठा बनाने के लिए मैंने एक ही सिंपल जो पराठे का डो लगाते हैं वो वाला पेड़ा लिया है। अब इसकी हम चपाती ऐसे बेल लेंगे, ये देखिए। और इसमें आपको देखना नहीं है कि राउंड जाए या कैसी बनेगी, कुछ नहीं, बस आपको बड़ी सी एक चपाती बेलनी है ऐसे। हमने चपाती बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस चपाती को ऐसे मिडल में से बीच में से ऐसे नाइफ से कट कर देंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सारे पराठे के ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ये देखिए। देखिए मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के तैयार होगा। अब ये देखिए मैंने एक ये मटर की फिलिंग है जो कि आप खस्ता मटर खस्ता कचौरी में मेरी देख सकते हैं, एक ये मेरी सिंपल आलू की फिलिंग है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये बहुत सारे स्वाद वाला पराठा बनाऊंगी। ये देखिए मटर की फिलिंग मैंने लगा दी है और अभी देखिए सेकंड हम आलू की फिलिंग लगाएंगे। इसमें कितने यम्मी से टेस्ट आएंगे ये देखिए। अच्छा थर्ड क्या करेंगे, हम यहाँ बहुत सारा देसी घी लगाएंगे और देखिए मसाले लगाएंगे हम यहाँ पे, रेड चिली लगा रहे हैं। अच्छा सॉल्ट नहीं लगाएंगे, उसका रीजन है क्योंकि सॉल्ट सारे मसालों में है, देखिए। ये देखिए और इसके ऊपर अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अजवाइन लगाएंगे। देखिए अजवाइन लगा दिए। अब देखिए क्या करूंगी, ये पूरी चीज स्लाइस लगाऊंगी, ये पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये देखिए मैं चीज स्लाइस लिए मैंने और ये मैं देखिए पूरी की पूरी चीज स्लाइस लगा दूंगी। ये देखिए मैंने पूरी चीज स्लाइस लगा दी है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे, ये देखिए फोल्ड किया और इसके बाद ये चीज स्लाइस वाला फोल्ड कर देंगे, ये देखिए बन गया। कितना मजेदार सा पराठा। अब इसको बहुत सॉफ्टली हम इसे बेलन की सहायता से और इसको बेल के तैयार करेंगे। ये देखिए हमने पूरा ट्रायंगल पराठा कितनी सारे फ्लेवर्स का बना के तैयार कर लिया है, तवा हमने गरम कर लिया है। ये देखिए तवा मेरा गरम है, बस अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे। ये देखिए एक तरफ से बन के तैयार हो गया है, पता चलने लगता है हम इसे पलट देंगे और इसके बाद हम इस साइड पे इस पे आप घी पैन तो घी लगाया है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और जो पराठा होता है ना वो लोहे के तवे पे जो उसका टेस्ट आता है अलग ही टेस्ट होता है फ्लेवर। अब इसको आप धीरे धीरे प्रेस कीजिए। ये पराठा बनाने की एक ट्रिक होती है, बहुत करारा सा पराठा धीरे धीरे पास इसको करिए और गैस को कम रखिए। ये देखिए चीज वाला करारा सा पराठा, इतने सारे फ्लेवर्स वाला। ये देखिए कितना हेल्दी सा करारा सा चीज वाला पराठा बनके तैयार है। ये देखिए चीज़ वाला करारा सा, कितना यम्मी सा, इतने सारे फ्लेवर्स का पराठा
एक ही पराठे में इतने सारे फ्लेवर्स बनके तैयार है। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मल्टी फ्लेवर चीजी सा इतना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट? लगा ना यम्मी सा? बच्चे ना टिफिन पूरा फिनिश करके आएंगे और बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। लेकिन यदि आप कोई चीज नहीं खाता है तो आप उसकी जगह पनीर यूज कर सकते हैं या कोई भी स्टफिंग यूज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि किस सिटी से, किस जगह से, किस शहर से बैठ के देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।